हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रम का मोबाइल होल्डर बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? ये हमें 14 कॉर्ड चाहिए 2 मीटर के, और 10 कॉर्ड चाहिए 1 मीटर के, और ये 1 मीटर का कॉर्ड है, और ये 3 मीटर का कॉर्ड है, और ये रिंग है। और हमें लाइटर लगेगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं ये देखिए, हमें स्टार्टिंग में 2 कॉर्ड लेना है और इसका सेंटर निकालना है। सेंटर में दोनों कॉर्ड को ऐसे पकड़ना है। हम पहले यहाँ पर एक सिंपल नॉट लगाएंगे। ये देखिए, ये एक कॉर्ड को ऐसे पकड़ना है और दूसरे कॉर्ड को उसके अंदर डाल के ये इस तरीके से ऐसे पकड़ना है। ये देखिए, इस तरीके से पकड़ना है, और ये वाले कॉर्ड को ऊपर रखना है और यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगाना है। ये देखिए, इसको ऐसे पीछे से ले जाके यहाँ इसमें से निकालना है। ये देखिए, इस तरीके से हम एक नॉट लगा लेंगे तो ये हमारे 2 कॉर्ड अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से हमें और 2 कॉर्ड लेना है। ये देखिए, इसका सेंटर निकालना है। ये रहा, इसको ऐसे इसके सेंट बीच में डालना है, ऐसे इस तरीके से, और इसका ऐसे रख के एक सिंपल नॉट लगा लेना है। ये देखिए, ये इस तरीके से लगाना है। मैं आपको और एक दो लगा के दिखा देती हूँ। सेंटर निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारे पास, मैंने 3 बना लिए हैं। मैं ऐसे ही और को ऐसे सारे बना लूँगी मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो 14 कॉर्ड्स थे, जो 14 कॉर्ड्स थे, उसको हमने इस तरीके से अटैच करके 7 ऐसे बना लिया है। ये देखिए, ऐसे ही हमें वो हमारे पास जो 10 कॉर्ड हैं 1 मीटर के, उसको भी हम ऐसे ही अटैच करके बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं इसका आपको कनेक्ट करके दिखाती हूँ, सारे कॉर्ड्स को अटैच करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो हमारे 2 मीटर के कॉर्ड हैं उसको अलग कर लिया है, और जो 1 मीटर के कॉर्ड हैं उसको अलग कर लिया है। ये हमारे बैक साइड में लगेगी और ये जो है हमारे फ्रंट साइड में लगेगी, क्योंकि हमें फ्रंट साइड में थोड़ी सी डिज़ाइन डालना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा कॉर्ड लगेगा। तो हम पहले इसको अटैच करेंगे, इसको पीछे से अटैच करेंगे। ये देखिए, एक ये ले लिया और ये दूसरा ले लिया। अब इन दोनों कॉर्ड को अटैच करना है। इसके दो कॉर्ड लेना है। इसको यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट लगाना है।
ये थोड़ा सा वो हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, फिर इसके लिए एकदम टाइट नॉट लगाना है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से लगाना है। अभी हम यहाँ पे इस दो कॉर्ड को, इस डिज़ाइन के कॉर्ड को अटैच करेंगे। ये देखिए ये दूसरा कॉर्ड अटैच कर लेंगे हम इस तरीके से। इसका जो दो बच गया है वो, और ये दो यहाँ पर सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से ऐसे खींच लेंगे तो जैसे मेरा उलझ गया था वैसे उलझ जाएगा। ऐसे दोनों हाथों में पकड़ के ऐसे इसको आराम से स्क्वायर नॉट लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से। देखिए हमारे छह कॉर्ड अटैच हो गए हमारे। ये देखिए इसी तरीके से हम सारे अटैच कर लेंगे। ये शुरू शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फिर उसके बाद ये बनने लगेगा। इस तरीके से अटैच कर देना है सबको। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो बेसिक नॉट्स हैं मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉट्स देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बस स्क्वायर नॉट का यूज़ किया है। देखिए इस तरीके से मैं आपको सारे अटैच करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा फ्रंट साइड अटैच हो चुका है। अब इसी तरीके से मैं बैक साइड भी अटैच कर लूँगी। इसी को अटैच करते जाना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से अटैच करना है इसको।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब अटैच कर लिया है। अभी ये जो लास्ट कॉर्ड है और ये जो लास्ट कॉर्ड है, इसको ऐसे घुमा लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ की दो कॉर्ड लेंगे और यहाँ की दो कॉर्ड लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। इसको आप ऐसा टाइट करते जाइएगा, नहीं तो ये पूरा ढीला हो जाएगा ना, तो ये पूरी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी और पूरा लूज़ हो जाएगा। ये इसको एकदम इसे खींच खींच के ही डिज़ाइन बनाना, तभी एकदम परफेक्ट आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट साइड है, ये 2 मीटर का कॉर्ड है। तो हम यहाँ से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। हम यहाँ से पहले काउंट करेंगे, ये एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ये देखिए यहाँ तक है। तो हम यहाँ से नॉट्स लगाना चालू करेंगे यहाँ पर। ये देखिए ये लूज़ हो रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये पूरा टाइट नॉट लगाना है आपको। ये लूज़ हो जाएगा तो डिज़ाइन बराबर नहीं आएगी हमारी। देखिए इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर नॉट लगा लेना है। देखिए इस तरीके से स्क्वायर नॉट लगा लिया, यहाँ पर भी स्क्वायर नॉट। ऐसे नीचे से हाथ डाल कर आप इसको टाइट करते हुए नॉट्स लगाइए, नहीं तो ऐसा होगा कि आप यहाँ से नॉट लगा लेंगे और कोई कॉर्ड नीचे अंदर रह जाएगी। तो इसलिए ऐसे अंदर से हाथ डाल कर चेक करते जाना है कि कोई कॉर्ड छूटने नहीं चाहिए। ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर नॉट लगा लेंगे फिर से। तरीके से मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रंट साइड इसको कंप्लीट कर ली है इस तरीके से। अब हम इसकी बैक साइड भी कंप्लीट करेंगे। मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी एक लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से डिज़ाइन डालेंगे इसमें। तो ये हमारा फ्रंट साइड है, तो हम यहाँ से डिज़ाइन डालेंगे। 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से इसको सेंटर में कर लेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरीके से
यहाँ से शुरू करेंगे, ये फोर कॉर्ड लेंगे, यहाँ पर एक सिंपल स्क्वायर नोट लगाएंगे, ऐसे थोड़ा उसमें ऐसा स्पेस छोड़ देंगे, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर स्पेस देते हुए हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। देखिए इस तरीके से 1 इंच का यहाँ पर हम 3 स्क्वायर नॉट लगाएंगे, एक हमने लगा लिया है, अभी और 2 लगाएंगे। दो हो गए, ये 3 हो गए। अभी ये जो सेंटर के 2 कॉर्ड हैं उसको हम ये यहाँ इसमें से इंसर्ट करेंगे, देखिए इसमें से डालेंगे, इस तरीके से यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। इसका से प्रेस कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। अभी हम यहाँ पर बनाएंगे, सेम वैसे ही बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ा स्पेस देंगे, ये देखिए इस तरीके से, तीन स्क्वायर नॉट लगा लेंगे, ये देखिए 3 स्क्वायर नॉट लगा लिया। अभी सेंटर के 2 कॉर्ड पर लेके यहाँ से डालेंगे, यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से, ऐसे ही मैं ये लाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ से है यहाँ से बनाएंगे हम, ये वाली डिज़ाइन जो है यहाँ पर बनाएंगे हम।
पहले, हाँ देखिए इस तरीके से, यहाँ ये आगे के भी यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है सेकंड लाइन। हम इसी तरह यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर बनाएंगे, फिर दो बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अभी अभी ये भी कंप्लीट करना है। मैं पीछे का कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस सिंपली स्क्वायर नॉट लगाते जाना है अल्टरनेट। यहाँ अभी हम यहाँ कंप्लीट करें, यहाँ से शुरू करेंगे, फिर जो सेंटर आएगा फिर उसको वहाँ से शुरू करेंगे इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। इसकी बैक साइड भी कंप्लीट कर ली है। इसकी फ्रंट साइड इस तरीके से दिखेगी। ये देखिए इस तरीके से। अभी नीचे, अभी ये मेरे फ़ोन से हाफ साइज़ का बन गया है। अभी मुझे इतना और बनाना पड़ेगा, तब जाके मेरे फ़ोन के साइज़ का हो जाएगा ये मोबाइल होल्डर। तो मैं सेम ये जो बैक साइड का है इस तरीके का डिज़ाइन, अब रिस्ट इस पे इस तरीके का डिज़ाइन आएगा। और ये वाली डिज़ाइन हमारी अभी पूरी हो गई है। और नीचे की जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से भी सिर्फ सिंपल स्क्वायर नॉट आएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया है, ये बन गया है। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा हो गया। इसको क्या करेंगे, ये हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे फ़ोन का नाप है। मैंने इस फ़ोन से के नाप से बनाया है इसको, तो इतना है। आप अपने फ़ोन के हिसाब से बना सकते हैं कितना छोटा बड़ा आपको चाहिए। यहाँ से चौड़ा भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा ये कॉर्ड जोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया है मेरा कंप्लीट। अब मैं यहाँ से इसको टाई कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इसको रैप कर देंगे यहाँ से। एकदम ऐसा टाइट पकड़ना है, एक एक वायर ऐसे धागे को खींच लेना है। इसमें से एक लंबा कॉर्ड लेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे, इसको ऐसे रैप कर देंगे। ये जो हमने यहाँ पे छोड़ा था गोल, उसमें से डाल के वायर,
तरीके से टाइट कर लेंगे। देखिए सारे वायर्स को ऐसे खींच लेंगे, अंदर छोटे छोटे जो रह गए हैं इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे क्योंकि हमें उसको स्टिक करना है। इस तरीके से पूरा स्टिक कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा फोन इसमें इंसर्ट हो गया है। ये फ़ोन हमारा है, बिंग तो मैंने निकाल दिया फ़ोन। ये जो एक्स्ट्रा ये है बिंग्स, इसके कट कर देंगे हम। इस तरीके से ऐसे क्रॉस कट करेंगे। ये देखिए हमने इसको कट कर लिया है। इसके ऐसे हम ऐसे धागे निकाल निकाल कर ऐसे छोड़ देंगे। ऐसे सब धागे ऐसे निकालेंगे, इसके ऐसे छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको निकाल देना है। इसका कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे स्लाइडली ऐसे इसका वो पकड़ना है धागा और ऐसे खींच देना है। इस तरीके से बनता जाएगा, दिखने में बहुत खूबसूरत दिखता है। इस तरीके से यह हमारा मोबाइल होल्डर तैयार हो गया है। अब हम इसको हैंग करने के लिए इसका हैंडल बनाएंगे। तो उसके लिए ये एक छोटी सी रिंग है, इसमें ये कॉर्ड अटैच करेंगे और इसको रैप करते हुए हम उसका स्ट्रिंग बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये होल दिख रहा है ना, इसमें से हम डालेंगे इसको। यहाँ से इस तरीके से अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से इसमें अटैच करेंगे। कॉर्ड को यहाँ डालेंगे, यहाँ अंदर से इस तरीके से। ऐसे इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ये जो हमने 3 मीटर कॉर्ड लिया था उसका सेंटर निकालेंगे और उसको यहाँ पर इस तरीके से स्पाइरल नॉट लगाते हुए रैप करेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। इस तरीके से हम उसको स्पाइरल नॉट लगाते जाएंगे। मैं कुछ
आपको इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आधा बना लिया है इसका। अभी यहाँ पर हम रिंग अटैच करेंगे। ये रहे हमारी रिंग, देखिए यहाँ पर हम रिंग अटैच करेंगे इस तरीके से, इसमें डालेंगे। इस तरीके से इसमें डालेंगे और दूसरा वाला जो कॉर्ड है ये, इसको इस तरीके से लेके यहाँ पर फिक्स कर देंगे। फिर से रिपीट करेंगे, ये इसमें डालेंगे और इसको इस तरीके से रैप करते हुए यहाँ से इसको स्ट्रेट खींच लेंगे। ये देखिए, ये अब हमारा फिक्स हो गया है और बाकी का जो लेफ्ट है ये, इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है ये इको हमारा। तो अब हम यहाँ पे इसको टाई कर देंगे, पहले इसको स्टिक कर देंगे नहीं तो ये खुल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर डालेंगे हम बाहर से अंदर की तरफ डालेंगे। ये इस तरीके से ये देखिए इसको यहाँ से, ये देखिए ये हमने ले लिया। हम यहाँ से एक छोटा सा ये निकाल हम कॉर्ड लेंगे, इसको यहाँ से रैप कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ अंदर की तरफ स्टिक करेंगे इसे। यहाँ पर स्टिक करेंगे इसको। ये जो दो एक्स्ट्रा कॉर्ड है उसको कट करेंगे। कट करके इसको यहाँ पर स्टिक करेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया हमारा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा। हमने मोबाइल को हैंग कर इसमें डाल दिया है। ये देखिए इस तरीके से हमारा हैंगर तैयार हो गया है। हम अपना फ़ोन हैंग कर सकते हैं इसमें, चार्ज भी कर सकते हैं।
कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे शेयर करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको कोई और भी माइक्रम की कोई और वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है इसके लिए सॉरी, लेकिन कोशिश की थी मैंने उसे शॉर्ट करने की। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।